और ये क्या रहने का है क्या ये? कहाँ, इस पे कौन रहेगा भाई? वुड हाउस, मुझे तो ऐसे लग। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं, जय और सुबह, अरे कहाँ छुप रहे, आ गया जा। आज हम तीनों घूमने आए हैं संस्कृति केंद्र आया नगर में। एक ये पार्क टाइप है और एक म्यूजियम है, तो हमने सोचा देख के आते क्या चीज़ें क्या नहीं है, और इसमें एक म्यूजियम भी है। तो चलो एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। बाकी अगर आप यहाँ हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है अर्जनगढ़, और ये मेन मेहरौली रोड पे पड़ता है। तो चलो चलते हैं अंदर। चलो करते हैं एंट्री। तो एंट्री करते ही सबसे पहले देखो बरगद का पेड़ कितना पुराना लग रहा है ना, जड़े ही जड़े निकले हुए हैं इसमें। तो गाइज ये बरगद का पेड़ है, और इसके बाद अब हमें चलना है यहाँ पे। इस साइड जाना अलाउड नहीं है, ये राइट में जो जगह है लेफ्ट में चलेंगे। चलो देखते हैं। ये लिखा ना, म्यूजियम, मल्टीपर्पज हॉल, सेमिनार हॉल, सेरेनिक सेंटर, एमपी थिएटर। इस जगह कहीं भी नहीं जा सकते हम, अलाउड नहीं है यहाँ पे, हमें तो बस यहाँ जाना है। ये क्या बना रखे हैं, घोड़े वगैरह बना रखे हैं बस ये। ये कैमरामैन बैठा है। संस्कृति म्यूजियम ऑफ इंडियन कोटा, इस साइड क्या, चलो इसके अंदर देख के आते क्या है। क्या लग रहा है तुम, म्यूजियम ऑफ टेराकोटा? चलो चलो, मतलब यही होगा शायद, ये पुराने टाइप के बर्तन वगैरह है ये। कोटा मतलब फैक्ट्री होती है वो वाली फैक्ट्री, तो चार होता है। अच्छा ये पुराने पत्थर, बिहार की मिट्टी। अच्छा पीली मिट्टी, ये पश्चिम बंगाल, ये पीली मिट्टी, हल्दी होगी, गीरू मिट्टी, तमिलनाडु मिट्टी, तमिलनाडु की मिट्टी। अरे वो रोटी का सामान लेके गोल कर देंगे आज तो। ये क्या, ये वो बना रखे आर्किटेक्चर टाइप, छाजी का मुंह है ये, जिराफ होगी जाती बड़ा मुंह है। ये हाथी, हाँ ये हाथी है, मुंडिया कहाँ है वही तो। चलो एक देखो चिड़िया ही बैठी है, तुम्हें दिखाऊं बिना मुंह वाले। अच्छा मैं दिख गई नकली वाली चिड़िया, प्यारी चिड़िया है, उड़ जा। और इसमें क्या है, संस्कृति लिटरली मींस द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, हेरिटेज इज इट्स फ्रूट द नीड टू क्रिएट टू डिस्कवर टू मंस्कृति इमेजिन इज यूनिवर्स एंड ऑल। कुछ आया समझ इतना बड़ा सब, यहां संस्कृति बताई गई है। हां संस्कृति का ही नहीं पता, मतलब पुराने उस चीजें टाइप बता रखी है ना। अच्छा इस साइड भी है संस्कृति के बारे में सब कुछ, संस्कृति नहीं प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। इसको टैग कर दूंगा। अच्छा ये जो टाइम पीरियड जो चले थे उस टाइप के ना, जैसे 320 BC, 200 BC, इसमें तो इस टाइप की चीजें हैं। क्या है, गुल्लक लग रहा है, गुल्लक यहाँ से वैसे डाल। हाँ हो सकता है, कुछ भी नहीं पता, या फ्लावर जैसे कुछ, गुप्ता पीरियड देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे भी इस टाइप की चीजें ही हैं। ये क्या जानवर, कौन सा है, बिल्ली, बिल्ली है, ये हाथी है, ये गणी, घोड़े, सांप है, ये सांप, घोड़े के पैर नहीं है पर इसका पूरा स्टैंड है। ये है ना, बच्चे, पूरा परिवार मिला हुआ है, इतना छोटा है पर इसकी दाढ़ी कैसे आ रही है। वो परिवार का है। चलो फैमिली, फैमिली से कुछ भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ क्या है, टाइगर, यहाँ पे भी ये सबके मुंह क्यों खुले हुए हैं, ये अपना मुंह बंद कैसे करता है, ये है ना सी वाला। तो तुम यहाँ म्यूजियम देखने आए, मजाक उड़ाने आए। ये क्या घर सा बना रखा है, ये क्या घर है, बीन बीन बजा, फ्लूट है पक्का, लग नहीं रहा, कैसा लग रहा, खा रहा है जैसे तुम आधी खा चुका है। ये देखो ये क्या है, इस टाइप भी है ये, हाँ हाँ डांडिया खेल रहे, सही कह रहा है। हाँ
ये थोड़ा रॉयल पेट लग रहा है, शेर हाथियों के सर पे ऊपर गुल्लक कौन लगाता है। अच्छा इस टाइप तो बस ये यूपी की चीजें बना रखी है। ये घोड़ा कुछ जाए अच्छा पीछे अच्छा पीछे ये सिंहासन टाइप बना रखा है। और ये इसमें ये कौन से जानवर है? अरे ये पुराने एंशियंट टाइप के हैं सारे। नहीं तो अब कहां गए इनकी स्पीशीज? अब ये वो हो गई क्या कहते हैं उसे, लुप्त हो गई। सही बात है शुभम की, यही कहना चाहते पर वो तो बंदर लग रहा है। लुप्त नहीं हुई ये यार, तो सारी अंदर मंदिर सा ही बना रखा है। इस साइड भी ये सांप और ये सब चीजें अंदर देखो, अंदर मंदिर चलो बना अंदर। हाँ अंदर ये भगवान जी की मूर्तियां हैं सारी। हाँ तो ये तो चलो समझ आई है अब तक, है ना? अब तक तो समझ आई है भगवान की मूर्ति, और कुछ तो समझ नहीं आया। और उस साइड भी ये मूर्तियां ही थी। अच्छा इस टाइप की मूर्ति है, ये भगवान की मूर्तियां हैं सारी। ये बिहार का है क्या? अच्छा बिहार को बिहार लिखा हुआ है यहां पे भी लिखा है। ये भी बिहार, ये भी अच्छा बिहार का बिहार, ये भी बिहार, ये भी हां ये भी बिहार से रिलेटेड चीजें है। को हर मतलब ये ब्राइड हॉस्पिटल चैंबर को हर घर शीशे लगे हैं। ये गन्ने छोटे छोटे, ये तो गन्ना है। ये बैम्बू है क्या? हाँ, बैम्बू है ना, मुझे ही बैम्बू ही लग रहा है। ये अब पक्का नहीं पता ये बैम्बू है या कुछ और है। और ये है मणिपुर का मणिपुर, ये पोटरी पोटरी वहाँ पे देखो बहुत ज्यादा सेफ्टी में रखा है। हाँ हाँ उसके अंदर कुछ तो है। ये दिल्ली और मणिपुर, दिल्ली का है ये, दिल्ली का। अच्छा चलो इस साइड और देखते हैं। ये अच्छी तरह बना, ये सब भगवान जी की मूर्तियां हैं। तो चलो इस साइड तो यही है, आगे देख के आते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये तो भगवान जी की मूर्ति है। लड़ते लड़ते एक पैर टूट गया। ये कौन सी उसका गुजरात की थीम है। ये छोटा उदयपुर, स्मॉल टाउन छोटा उदयपुर गुजरात के बारे में। सूरत तो यहाँ पे तो बस ये एंशिएंट चीजें दिखा रखी है ना। Do not touch the objects. चलो आगे चलो। ये सुराही और ये राजस्थान, ये राजस्थान की थीम आ गई। ये राजस्थान की थीम है। ये तो मुझे लग रहा है बेसिकली वो है आर्कियोलॉजिस्ट पार्क है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी उस टाइप की चीजें। कहाँ है? अच्छा ये दीवार क्लोथ पेंटिंग है। ठीक है ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो चाय पानी, पर ये तो बंद है। चाय पानी कैफेटेरिया बंद है। घोड़े ही घोड़े हैं यहाँ पे तो। हाँ सही कह रहा, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। ये तमिलनाडु की थीम है। ये लैंप बना रखा है एक। ये मंदिर लग रहा है मुझे राइट में। राइट में ये रहा, शायद मंदिर ही है ये, है ना? मंदिर है ना ये, लग तो रहा है। पर ये तो बंद है। ये क्या है? म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट, संस्कृति म्यूजियम ऑफ एवरीडे। ये खुला है अंकल, चल दिखा दो अंदर से। ये क्या है? ये ब्रास के सामान है सारे, है ना? चलो आ जाओ अंदर और देख के आते क्या है। शुभम ना ओपन, शुभम ने ओपन कर दिया है। अच्छा टच मत करना कुछ भी। ये क्या है? ये पता क्या, ये पहले ये बताओ क्या है। क्या ये क्या है? चिल्ड्रंस बॉय। ये है वो बच्चे का क्रेडल टाइप जो होता है, ऐसे पकड़ के भागते हैं। हाँ हाँ वो तो अच्छा चलने के लिए। हाँ बचपन में जो होता है। ये क्या है? ये चिल्ड्रंस वर्ल्ड। अच्छा ये बच्चों का है सारा।
चिल्ड्रंस वर्ल्ड प्लीज डू अकाउंट बुक है इसके अंदर कुछ तो लिखा है पता ही लग रही है ना भैया अकाउंट बुक कहाँ है नहीं वो लग रहा है वो कुछ वैसे नहीं होता पुराने टाइम पे चीजें यूज होती होंगी अरे स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए नहीं कर रहे हो और ये देखो ये सारे मुझे लग रहा है कॉपर और ब्रास की चीजें है ना सारी ये देखो ये सारी हेरिटेज चीजें हैं बेसिकली वही हैं ये देखो यहाँ घूम के आएंगे ऐसे हाँ हाँ जाओ अच्छा ये झूले छोटे बच्चों के झूले और वो और ये संदूक ये पंछी का है क्या कुछ ये पानी के पौधे पानी के लग रहे हैं मुझे ना ये क्या है ये देखो ताला है ये ताला है ऐसे दो ये क्या है ये पता नहीं ये वो कार्ड नहीं है मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स मिसलेनियस और ये इस साइड ये चिड़िया का वो रखने के लिए चिड़िया पहले के जमाने में चिड़िया क्या आदत थी वो कह रही मेरी जनरेशन खत्म पहले के टाइम में तो वो नहीं देखा तुमने वो ये तो नया नया लग रहा है कैंची ये है दाढ़ी काटने के लिए वुमेन्स टॉयलेटरी अच्छा वुमेन से रिलेटेड चीजें हैं सारी वुमेन कहां ये रखी है अंदर तो इस साइड भी है ये इस साइड ये है लैंप्स एंड इनसेंस बर्नर्स अच्छा वो जलाने के लिए दिए और वो सब हाँ ये मंदिरों में जो होते हैं ये यार ये क्या है बीच का नाम है इसका बीच का नाम है गला कैसे कर दिया ये तो खोला हुआ है शायद वुड का ये लिखा तो है वुड का बना हुआ है बना बंद हो सकता है क्या रखा है इसमें सामान खुला हुआ है इसमें भी सामान रखा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाँ इसमें देखो ये हथियार और ये रखे हैं और इस साइड ये तो तुमने देखा नहीं टर्बन बॉक्स यहाँ पे तो पुरानी सारी चीजें बना रखी है खिड़की हाँ ये बुक है बुक पढ़ सकते हैं तुम ये तुम टच कर सकते हो आराम से और ये देखो कितना बड़ा वो है ये लाने का है हाँ और ये एमुलेट्स एंड रिचुअल एसेसरीज अच्छा ये तांत्र मंत्र करते और ये पोर्टेबल एंड डोमेस्टिक साइंस ये तो साधु होता है हाँ ये साधु होगा ये अच्छा ये भगवान की मूर्तियां सारी सेक्रेड इमेजेस सेक्रेड है वो अच्छा तू पढ़ रहा है सेक्रेड गेम्स भी तो आया था वो भी तो ये देखो भगवान जी कितनी बड़ी मूर्ति है सेक्रेड गेम्स भी तो आया था एक तो गाइस यही था म्यूजियम चिल्ड्रंस म्यूजियम चलो चलते हैं अब बाहर आ जाओ इस साइड देख के आते हैं क्या है म्यूजियम ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स चलो इसमें और क्या आते हैं चलो इसमें देखते हैं इसमें ये क्या है डिफरेंट स्टेज ऑफ नेचुरल डाई प्रिंटिंग ये तो वो गांधी जी इस पे वो बनाते थे हाँ गांधी जी का चरखा क्या है ककून अरे ककून है ढाबा ककून उधर भी वही है क्या होते हैं ककून्स अरे जो तितलियां इसमें से बाहर आती है अच्छा ठीक है सिल्क अच्छी अच्छी वैरायटी है ना सिल्क वैरायटी ऑफ इंडियन सिल्क और इस साइड भी यही है मैडर कॉटन फाइबर
ओहो ये बढ़िया चीज़ है ना, ये बढ़िया है। फुलकारी ऑफ पंजाब, अच्छा पंजाब की थीम है ये, पंजाब का ये सारा। चलो आगे चलते हैं। इस साइड क्या है, ब्लॉक प्रिंटेड एंड पेंटेड फैब्रिक्स। इस साइड, अच्छा इस साइड तो बस यही है पर्दे टाइप से, एक सौ ओरिसा आंध्र प्रदेश फैब्रिक। अच्छा ये पूरा फैब्रिक की वो है म्यूजियम, कपड़े कपड़े हाँ ये एंशिएंट कपड़े। पीछे भी वो, ये तो साड़ियाँ लग रही हैं, चड्डी है पक्का चड्डी है, ठीक है तेरी होगी। पुराने जमाने का थोड़ी। इस साइड वही है सब कुछ, कपड़ों से रिलेटेड ही है सारा ये। सारी ब्राक स्कोडा, तो चलो करते हैं एग्जिट इससे। अब इसके बाद अब क्या आएगा, ये नीचे भरने के खोल दी। नहीं नहीं टच मत करो, हटेगा वो आ रहा है बोलेगा। क्योंकि यहाँ ये पैसे कोई भरा हो सकता है। ये क्या है, अरे ये क्या रहने का है क्या, ये कहाँ इस पे कौन रहेगा भाई। वुड हाउस, मुझे तो ऐसे लगे जैसे वो नहीं देखी तुमने वो कौन सी मूवी है, कौन सी लाइट है तो नहीं लगाते, मुझे लग रहा है लाइटें वाइट ही होंगी इसमें। और इस साइड ये बग्गी टाइप बना रखी है, ये बड़ी बड़ी पराते। चलो इस साइड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है सारा एरिया। सेमिनार हॉल टू, उस साइड भी जाना मना है। चलो रिटर्न चलते। तो गाइज यही था बेसिकली, यहाँ से हमने एंट्री की थी और यहाँ से घूम के एग्जिट करके आ गए। तो चलो चलते हैं अब वापसी, ये दोबारा उस पेड़ के पास आ गए हैं। गाइज फाइनली घूम के आ गए हैं संस्कृति केंद्र। तो बताओ क्या क्या था संस्कृति। था तो बहुत कुछ, बट समझ नहीं थी। संस्कृति के नाम पर जानवरों की मूर्तियां थी बस। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे क्या था, एंशियंट चीजें थी, हेरिटेज चीजें थी, जो मतलब पुरानी बीसी टाइम की जो चीजें थी ना, लग नहीं रही थी हाँ, उस टाइप की चीजें रखी हुई थी। जानवर अजीब अजीब वैरायटी के थे, मतलब डिफरेंट टाइप, किसी का धड़ खुला हुआ है। तो मतलब हमारा तो समझ में आया नहीं, बट ठीक है हम देख के आ गए। तो अगर आप भी आओ तो एक बार देख सकते हैं, एक रिसर्च एंड नॉलेज की तरह हो सकता है ना चीजें। तो वीडियो में तो देख ही लो, वीडियो में तो आप देख ही लिया आपने ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें थी। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ वापसी, और आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।